पेरिस में 34वें ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। साल 1900 से ओलंपिक में हिस्सा ले रहा भारत अब तक 35 मेडल ही जीत सका है, वो भी सिर्फ 9 खेलों में। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का इतिहास 129 साल पुराना है। इस स्टोरी में हम जानेंगे भारत की ओर से 9 खेलों में कब और किसे मिला पहला मेडल। सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में एथलीट प्रिचर्ड ने 200 मीटर हर्डल्स और 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता। प्रिचर्ड अंग्रेज थे, लेकिन कोलकाता में जन्म लेने की वजह से मेडल को भारत के खाते में जोड़ा गया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स के लिए भारत की ओर से 16 मेंबर की हॉकी टीम चुनी गई थी। इसमें 9 खिलाड़ी एंग्लो इंडियन थे। भारत ने लीग मैचों में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड को हराया और फाइनल में नीदरलैंड को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ध्यानचंद इस ओलंपिक के टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने भारत के लिए 29 में से 14 गोल किए थे। रेसलिंग में खशाबा दादा साहब जाधव भारत के लिए ओलंपिक में पहला इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। जाधव ने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। लियंडर पेस ओलंपिक के टेनिस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ही नहीं एशियन एथलीट भी हैं। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लियंडर पेस ने टेनिस में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडियन मेल एथलेटिक्स ने अपने ओलंपिक सफर की शुरुआत तो कर। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।